हमारे चैनल नेहा फैशन डिजाइनर को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके साथ पटियाला सलवार की कटिंग शेयर करने वाले हैं। ये देखिए, हमने कपड़े को 4 लेयर फोल्ड करके रख लिया है। कपड़े को हम लंबा फोल्ड करेंगे। ये देखिए, हम बंद भाग को अपोजिट साइड रखेंगे और खुले भाग को अपनी तरफ रखेंगे। बंद भाग की तरफ से हमें मोहरी निकालनी है। अब हम इसमें बाकी के निशान खुले भाग की तरफ लगाएंगे। आइए अब हम सलवार की लंबाई की माप लेते हैं। ये देखिए, हम 6 इंच का बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट को हटाकर हम बाकी का मेजरमेंट लेते हैं। 6 इंच का बेल्ट हम अलग से लगाएंगे। ये देखिए, हमारे सलवार की लंबाई 38 इंच है। हम उसे 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। देखिए, हम 40 पर निशान लगाते हैं 6 इंच हमारा बेल्ट का, और 40 इंच पर हम पूरा निशान लगाएंगे। देखिए, अब इसको हम मिला देते हैं। अब हम इसमें खुले भाग की तरफ निशान लगाते हैं। हम 17 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमारा आसन का होगा। हमें ध्यान रखना होगा कि हमारे निशान जो हैं बंद भाग की तरफ केवल मोहरी का होना चाहिए और बाकी सारे निशान खुले भाग की तरफ रहेंगे। देखिए, हमने 17 इंच पर निशान लगाया है और ये हम मोहरी का लेते हैं। मोहरी हम 8 इंच लेंगे। देखिए, हमने 8 इंच पर निशान लगा लिया है। हमने मोहरी के लिए 8 इंच पर निशान लगा लिया है। आपको मोहरी ज़्यादा चाहिए तो आप 9 या 9.5 इंच पर निशान लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पटियाला सलवार बना रहे हैं। पटियाला सलवार में मोहरी हमें छोटी ही रखनी होती है ताकि ऊपर का घेर हमें ज़्यादा मिल सके। देखिए, हमने जो 17 इंच पर निशान लगाया था और ये जो हमारी 8 इंच की मोहरी है, इनको हम एक तिरछी लाइन से मिला देते हैं इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए, हम इसको बिल्कुल लाइन पर से कट कर रहे हैं। इसकी कटिंग के बाद जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा निकलेगा, इसको हम यहाँ कमर पर खुले भाग की तरफ जोड़ देंगे, जिससे हमारे पटियाला सलवार की चौड़ाई और बढ़ जाएगी। इससे ये और ज़्यादा घेरदार बन जाएगा। ये बहुत आसान तरीका है पटियाला सलवार की कटिंग का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, हमने ये कपड़ा को काट लिया है। अब हम ये कटे हुए कपड़े को जहाँ हमने 17 इंच पर निशान लगाया था वहाँ पर रखेंगे। ये देखिए, हम इसको यहाँ पर रख रहे हैं। हम इसका सीधे भाग की तरफ जोड़ देंगे चारों किनारों पर। ये चारों किनारे अटैच कर लेंगे। अब हम इस कपड़े की दूसरे साइड कटिंग करेंगे। ये देखिए, ये हमारा 8 इंच पर हम दूसरे साइड पर निशान लगाते हैं। इस तरह से निशान लगाकर हम इसकी कटिंग करेंगे और इसको इधर से काटते हुए हम दूसरे किनारे तक सलवार के बराबर की कटिंग दे देंगे। देखिए इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसकी कटिंग कर ली है। देखिए बिल्कुल बराबर से ये हमारे सलवार की कटिंग हो चुकी है। अब हम बेल्ट की कटिंग करते हैं। ये हमारे सलवार के किनारे से निकला हुआ कपड़ा है। देखिए, हमने 8 इंच का लिया है। हमने पहले बताया था हमें 6 इंच का बेल्ट चाहिए। 2 इंच हम मोड़ देंगे नाड़े डालने के लिए और ये 6 इंच का बेल्ट हमारा बन जाएगा। देखिए, इसको हम डबल फोल्ड करके 20 इंच का रखेंगे। देखिए, हमारा डबल फोल्ड है। हम इसे 20 इंच की चौड़ाई देंगे। 20 का दुगना 40 इंच हो गया। पूरा बेल्ट हमारा 40 इंच का होगा। देखिए, इस तरह से हमने आपको पूरे सलवार की कटिंग बता दी है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।